Look at this bracket. This bracket ko dekho. Complete jaan nikal diye is bracket ki. Aur bol rahe hain main budget ka aadmi hoon, isi ko adjust karna hai. Wow. Mere paas solution hai. Isko kya karta hu? Main shoot nahi kar raha hu. Mere paas time nahi hai. Mere paas pocket hai purana. Acha wala dal ke deta hu. Isko naya sa change kar dun. Kag और चेन को थोड़ा चोट आकर के भेज देना और 6 महीने 7 महीने चल जाएगी. बैक टू वर्क. और एक छोटी सी बात, ये जो ब्रेक कैम का जो नट है वो टाइट रहता है, घुमाते घुमाते दिमाग ख़राब हो जाता है. तो ये मशीन की वजह से कितना जल्दी बाहर आता देखो. तो कम ऑन, रेडी. Brake yokes, throttle cable body, brake lever, yoke. मशीन का ब्लेड टूट के इधर जो सिपड़ के कठोर की इधर उड़ा है निंजा की तरह. ये चेन काटने के समय में इसको काट के निकालना था, तो मैं जब मशीन चालू किया तो वो पॉप अप हो गया. निकाल जब मशीन चालू हुई तो पुराना ब्लेड था शायद, और लगा इधर. बहुत दर्द हो रहा है अभी, फिर हिलाएंगे तो दर्द हो रहा है. सो गाइस, टूल्स जो भी ऐसे यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है. मैं ऐसे पकड़ा था तो ये एक पीस इधर से इधर लगा, एक पीस उधर गया, पता नहीं कहाँ गया वो, एक पीस इधर आके बैठा है. सी कितना अच्छा. बी केयरफुल व्हाइल वर्किंग. आज का जो काम इतना ही, इसको फिटिंग करते हैं घर जाते हैं बस. शुक्र है इतने से बच गया मैं. शायद फ्रैक्चर तो नहीं हो गए, दर्द हो रहा बहुत, दर्द लगा है. सी पूरा तो फिटिंग हो गया है, अभी बाकी है स्टार्ट करने का स्कूटर. सो ये तो गाड़ी रनिंग से एक महीने से खड़ी है, तो स्टार्टिंग थोड़ा चोक करके यूज़ करेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा. थोड़ा चोक यूज़ करके स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा. ओके लेट्स ट्राई.
फेंडर भी डाल के नहीं हूँ, फ्रंट फेंडर सुबह हो जाएगा वो काम भी, हेडलाइट का काम भी सुबह हो जाएगा, और गाड़ी वॉश करनी है पूरी, धूल मिट्टी से भर गई है। तो स्कूटर इज हेल्दी नाउ। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।